एक शहर में पीता नाम की एक लड़की होती है जिसकी सहेली का नाम माहिरा होता है। पर माहिरा बहुत ज्यादा अमीर होती है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत घमंड होता है। इसलिए वह पीता की दोस्त तो होती है पर उसके गरीब होने की वजह से उसको हमेशा नीचा दिखाती रहती है। कुछ दिनों बाद जब एक दिन माहिरा के घर की काम करने वाली नौकरानी सरला की हालत बहुत खराब होती है जो कि प्रीता की माँ होती है, इसलिए सरला अपनी जगह प्रीता को माहिरा के घर काम करने के लिए भेजती है। पर जब माहिरा प्रीता को देखती है तो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कुछ काम है क्या तुम्हें, मुझसे कहीं पैसे मांगने तो नहीं आई हो। जिसे सुन प्रीता कहती है, नहीं आज मैं यहाँ अपनी माँ सरला की जगह काम करने के लिए आई हूँ क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही माहिरा बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज मैं प्रीता को बहुत परेशान करूंगी, उससे अपना सारा काम करवाऊंगी जिससे वो बहुत परेशान हो जाएगी। तभी माहिरा प्रीता से कहती है, जाओ मेरे लिए मिल्क शेक लाओ लेकर आओ। और तभी कहती है, जाकर मेरा बेडरूम साफ करो। माहिरा का सारा काम प्रीता बहुत अच्छे से करती लेकिन कुछ देर बाद वह बहुत थक जाती और परेशान भी हो जाती। और कुछ ही देर बाद प्रीता को बहुत तेज भूख लगती। पर प्रीता जब खाना खाने के लिए बैठती है तुम तभी माहिरा प्रीता से कहती है, अरे ओ मैडम कहाँ हो तुम, पता नहीं है तुम्हें कि मेरे खाने का टाइम हो गया है, जाओ फौरन मेरे लिए लंच लेकर आओ। ये सुन प्रीता अपना खाना छोड़कर चली जाती है और माहिरा को खाना दे देती है। पर माहिरा उस खाने को पसंद नहीं करती और कहती है, ये क्या बेकार सा खाना दे रही हो मुझे, जाओ कुछ अच्छा लेकर आओ। ये सुनते ही माहिरा की माँ राखी प्रीता के पास जाती है और बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरी बेटी माहिरा तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई है, पता नहीं क्या होगा उसका, क्या करेगी आगे चलकर। और राखी कहती है प्रीता से, बेटी तुम जाकर खाना खा लो क्योंकि मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जिसे सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है और राखी से कहती है, हे मालकिन आप तो एकदम से मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही हो जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी प्रीता अपनी आँखों में पानी भरकर राखी के गले लग जाती है। पर माहिरा बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कितना घमंड है। इसलिए बाद में वो प्रीता से माफ़ी मांगती है और कहती है, प्रीता तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया। जिसे सुन प्रीता माहिरा को माफ़ कर देती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।